मेरा नाम रितेश ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका बजट डाइट को लेकर काफ़ी कम है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनको उतना अमाउंट नहीं मिल पाता घर से, या एक फिक्स अमाउंट मिलता है जिसके अंदर उनको अपना पूरा महीने के एक्सपेंसेस इंक्लूड करने होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। और किसी भी क्वेरी के लिए कोई भी आपका डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, साथ में आपको इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो कैसे बात करते हैं सोया प्रोटीन की। हाँ जी, तो सोया प्रोटीन के नाम सुन के काफ़ी लोगों के दिमाग में ख्याल आया होगा गायनो का, मैन बूब्स का, या फिर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल का, तो जो कि बिल्कुल गलत है, ये सारे मिथ्स है। अब लोगों को लगता है कि हम इसे कंज्यूम कर लेंगे तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जो रिसर्च है, जो साइंस की थ्योरी के बेसिस पे आप डेली 100 ग्राम ऑफ सोया कंज्यूम कर सकते हैं। जी हाँ, 100 ग्राम सोया मतलब 50 ग्राम प्रोटीन, मतलब कि जो वेजिटेरियंस हैं उनको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया जिससे आप अपना जो प्रोटीन गोल कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस का अपना गोल कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस के पास एग वाइट्स होते हैं, चिकन होता है, फ़िश होती है, बट जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस है, वो नॉन वेज इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो जो सोया है वो एक बेस्ट सोर्स है, जैसे हमारे सोया चंक्स हो गए, हमारा सोयाबीन हो गया, हमारा टोफू हो गया, आप सोया मिल्क ले सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं जो आप वीकली अपनी डाइट में कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन सबको। आप किसी दिन हर दिन आप कोई ना कोई वैरायटी बना सकते हैं, कभी सोया चंक्स बना लीजिए, किसी दिन सोयाबीन बना लीजिए, या फिर कभी आप अपना प्रोटीन शेक है वो आप सोया मिल्क में ले लीजिए। तो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो गाइस, सबसे अच्छी बात सोया की ये है कि वो बहुत ज़्यादा चीप है, आपको 20 रुपीज़ में 100 ग्राम ऑफ सोया मिल जाएगा, और 100 ग्राम सोया के अंदर 50 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम कार्ब्स और 10 ग्राम फाइबर होता है, जो कि बहुत अच्छी डील है उन लोगों के लिए जिनका बजट ज़्यादा नहीं है। अगर वहीं मैंने अगर चिकन से प्रोटीन लेना होगा 50 ग्राम, तो मुझे ऑलमोस्ट 100 to 150 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे, जो कि बजट के बाहर चले जाता है। तो जो सोया है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आप अपनी डाइट में, अपने पूरे दिन की मील्स में एक ना एक बार सोया ज़रूर इंक्लूड कीजिए, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक्सेसिव में सोया लेते हैं। अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज़ लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करेगी। अगर आप 200 से 300 400 ग्राम सोया ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स है गायनो की, या फिर जो लो टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उसकी प्रॉब्लम को हो सकती है। बट 100 ग्राम 150 ग्राम सेफ ऑप्शन है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है या आपको साइंटिफिक थ्योरी जाननी है इसके पीछे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा अलग था, हेल्पफुल था मेरे को लग रहा है अपनी तरफ से, क्योंकि काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और काफ़ी लोग मुझे टेक्स्ट भी करते हैं, या जब मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे को बोलते हैं कि लो बजट में हम कैसे बॉडी बनाएं, कैसे अपने जो प्रोटीन गोल है वो कंप्लीट करें, कैसे जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हम पूरा करें। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।